मैंने बाकी स्नैक्स जो मैंने लिए। ओके लाफिस। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैंने ना कुछ रमज़ान के लिए शॉपिंग की थोड़ी सी, और मैं आहिस्ता इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी रूममेट सो रही है। तो मैं हॉस्टल होती हूँ और मैं जो है ना कल से रोज़ है इंशाल्लाह। तो मैंने थोड़ी सी अपने लिए कुछ चीज़ें ली, उनमें यह है कि मैंने ब्रेड ली एक, और मैंने ये पाकोला की जो है ना वो ली बोटल ली, क्योंकि इस दूध सोडा बनाने के लिए ना बहुत मज़े का इसका फ्लेवर होता है। और फिर मैंने जामिस ली शिकंजी के लिए ना, और ये मैंने खजूर ली अफ्तारी के लिए, और ये आई गेस थी कोई 300 की। और ये मैंने पराठे लिए, ये पराठे थे 20 पराठे थे, बहुत ही अच्छे फ्रीज में इनको, मतलब वापस मैं ये करूँगी कि मेरे पास केटल है तो मैं केटल पे पैन रख के ना उस पर ही मतलब फ्राई करके खा लूँगी, तो बहुत मज़े के बनते हैं। और ये मैंने नगेट्स लिए, नगेट्स जो है ना मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, लाइक ये अराउंड हैं कोई 40-50 नगेट्स हैं इसमें, बहुत मज़े के होते हैं ये, मैंने पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ। और जी ये मैंने दूध का बड़ा पैक लिया जिसमें अराउंड 27 आई गेस 28-27 थे ना पैक्स। तो ये क्या होगा कि मैं जो है ना शहरी में एक टप्पा डेली पी लिया करूँगी, ये इसमें पाकोला जो है ना मिक्स करके, इससे क्या होता है कि प्यास भी कम लगती है और फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो मैं मोस्टली प्यास की इतनी मुझे नहीं पड़वा, रोज़ा रोज़ा ही होता है, बट मुझे ये होता है कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और मैंने ये जैम दिया ब्रेड स्प्रेड के लिए, क्योंकि कभी कभी रात में अक्सर भूख लगती है तो हम ये खा लेते हैं। और फिर ये मैंने एक केचप का पैक लिया छोटा सा, लाइक समोसा पकौड़ा उसके लिए ना। और मैंने ये लीमू लिया शिकंजे बनाने के लिए, और ये दो मैंने दही के पैक लिए छोटे लिए अभी, क्योंकि मुझे ये था कि कुछ टाइम तक फिर मैं दोबारा ले लूँगी, अभी ये दो जो है ना मैं यूज़ कर लूँ। ये मेरे पास ऑलिव ऑयल है जो कि मैं ये नगेट्स और पराठे को फ्राई करने के लिए यूज़ करूँगी, इससे ये होता है कि इसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो मैंने ये छोटी सी शॉपिंग की, इसके अलावा मैंने स्नैक्स लिए लाइक बिस्किट लेस और पोटैटो स्टिक्स और के लिए, और हाँ बिस्किट्स लिए और नूडल्स लिए, रस्क लिए और इस तरह ना। और ये मैंने जूस ले लिया। तो बस यही चीज़ें जो है ना वो मैंने ली हैं फ़िलहाल के लिए, अभी फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको ज़्यादा आइडिया होता जाता है कि आपने जो है ना आपको मज़ीद किस चीज़ की ज़रूरत है। तो फिर वो मैं इधर करीब ही है मेरे पास अल जदीद, तो मैं वहाँ से लेके आती हूँ ये चीज़ें, बहुत रीज़नेबल मिलती हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।